एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ जो आपके स्किन को लाइटन बनाने में, ब्राइटन बनाने में, आपकी एक्ने प्रॉब्लम में और आपकी स्किन को ब्राइटन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। आपको इसको ट्राई करना है, फिर इसका रिज़ल्ट देखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जो भी मेरे वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको इसके लिए मिलता रहेगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का उपटन फेस मास्क। ये जो फेस मास्क है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे। इसके लिए आपको क्या लेना है, इसके लिए आपको 1 चम्मच ग्राम फ्लावर बेसन लेना है। इसमें आपको बेसन जो होता है आपके स्किन का जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसमें आपको 1/2 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर जो आटा होता है वो डालना है। आटा जो होता है हमारे स्किन को लाइटन बनाने में हेल्प करता है। और इसमें आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है, टर्मरिक। टर्मरिक हमारी जो एक्ने प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, तो ये हमारी जो भी पिंपल्स होती हैं और जो भी हमारे इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है स्किन में उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। और इसमें आपको 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क। रॉ मिल्क ही मैंने कैसे बनाया है, मैंने कच्चा दूध लिया है, उसमें 2 लीव्स मैंने सैफ्रन की लेके, केसर की लेके, इसको 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दिया है। फिर इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसका हमको ऐसा थिक पेस्ट बना लेना है। आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, पर ये जो पेस्ट है वो थोड़ा थिक होना चाहिए तो हमारी जो फेस है उस पर ईजिली अप्लाई हो जाएगा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो एकदम नेचुरल हैं, आपके स्किन को लाइटन बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। और जो मैंने इसमें कच्चा दूध डाला है उसमें मैंने 2 लीव्स सैफ्रन की डाल के उसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। उससे क्या होगा, जो भी केसर है उसका कलर उस मिल्क में आ जाएगा। फिर आपको इसमें अपने बेसन का जो पेस्ट मैंने बनाया है, फेस मास्क बनाया है, उसमें आपको इसको डाल लेना है। इसको अपने फेस पे 15 to 20 मिनट्स अप्लाई करना है। अगर आप स्क्रब करके इसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेना है। फिर आपको इसका रिज़ल्ट देखना है कि इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को, आपके स्किन की लाइटन बनाने में और जो भी आपका एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा।